नमस्कार, मंजुला आर्ट क्लासेस में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और स्कार्फ, यह लहरिया स्कार्फ बनाना आज हम आपको बताएंगे। इसके लिए लगेगा काटन का कपड़ा और थोड़ा सा नेट वाला कपड़ा, और इसकी लंबाई रखेंगे। ये देखिए, यह लहरिया कपड़ा है और प्योर काटन भी है। इसकी नाप लेंगे सबसे पहले, और देखिए इसकी दोनों तरफ से इसे 21 इंच ही रखना है। ये देखिए, इधर से भी इसको पूरा 21 और इधर ज्यादा है, पर हमें सिर्फ 21 लेना है दोनों तरफ से। इस प्रकार 21 इंच लंबाई में और 21 इंच चौड़ाई में लेकर के निशान लगाएंगे, और दोनों तरफ से 21 इंच रख के कटिंग करना है। हमें दो इसको दो पीस में काटेंगे, एक आगे एक पीछे लगेगा। तो इस प्रकार नाप लीजिए और लहरिया वाला स्कार्फ बनाएंगे। यह नेट वाली, यह नेट का कपड़ा है, इसकी कटिंग बाद में करेंगे। स्कार्फ को आप चाहे तो बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। यदि बड़ा बनाए तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, छोटा बनाए तो कम कर सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार जो पहले कटिंग किए हैं कपड़ा, उसको काटने के बाद ऐसे तिरछे आकार में मोड़ दिए हैं। उसके बाद ये पट्टी काटे हैं। यह पट्टी दो तह में है, इसकी चौड़ाई रखेंगे 3 इंच, सिलाई में इतना इतना दब जाएगा। इस प्रकार दो पट्टी काट लिए हैं। अब इसको सेंटर से नाप लिए हैं, सेंटर से इसको देखिए, सेंटर से दोनों तरफ 2.5 इंच रखना है। जैसे ये सेंटर है, यहाँ से इधर देखिए 2.5 इंच रखे हैं। 2.5 इंच से थोड़ा सा ज्यादा रखना है सिलाई में दबाने के लिए। तो ये बीचों बीच ये सेंटर है, दोनों तरफ 2.5 इंच या 2.75 इंच नेट को लगाने के लिए रखे हैं। और ये जो पट्टी काटे 3 इंच की, इसके ऊपर इस प्रकार दोनों पल्ला ये इधर और ये इधर ऐसे रख के इसके ऊपर सिलाई करेंगे। यहाँ पे नेट लगेगा। देखिए, जो 3 इंच पट्टी काटे लंबाई में है इस प्रकार, ये देखिए दो तह में है, इसको मोड़ के इस प्रकार और सिलाई कर देंगे। इस प्रकार इधर का भी निशान जहाँ पे लगाए हैं, निशान से इस प्रकार इसको भी यहाँ तक सिलाई करना है। दोनों हिस्सा जुड़ने के बाद फिर यहाँ बीचों बीच नाप लेने के बाद नेट की इस कलर का नेट लगाएंगे। पट्टी सिलने के बाद इस प्रकार नाप लेंगे, और जितना भी आ रहा है, जैसे ये 5 आ रहा है तो 2 इंच बढ़ा देंगे नेट को, चौड़ाई को भी 1.5 या 2 इंच बढ़ा देंगे। ये देखिए नाप लिए हैं, इतना इसमें आ जाए, और अब इसकी कटिंग करेंगे। देखिए, नेट को बराबर नाप से काट के नीचे फिट बैठा दिए हैं। अब इसकी सिलाई करेंगे, और पीछे तरफ नेट की जो सिलाई है उसमें बारीक कपड़े की पट्टी काट के उसके ऊपर पतली सी काटेंगे, और इस प्रकार पतली पट्टी उसके ऊपर और पीछे सिलाई कर देंगे। देखिए,
यह नेट वाली स्कार्फ इस प्रकार बनाएंगे। 1 मीटर कपड़े में प्योर काटन का होना चाहिए। 1 मीटर कपड़े में यह स्कार्फ बन जाएगा और नेट जरा सा लगेगा। देखिए जब ये पूरी डबल सिलाई कर लेंगे तो इस कपड़े को तिकोने आकार में काट देंगे और काट करके इस प्रकार ऐसे मोड़ देंगे, इधर भी ऐसे तिकोने आकार, ताकि जब सिर में बांधे तो यह अच्छे से फिट बांधते बने। देखिए यह स्कार्फ बन चुका है। आपको इसके लिए 1 मीटर लहरिया कपड़ा लेना है। बस कपड़ा प्योर काटन का होना चाहिए और नेट का छोटा सा पीस लगेगा। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।